अपने बारे में, और शिवांग के साथ भी सेम कंडीशन थी, 95 से 97 केजी के वेट के समथिंग था। आज शिवांग अपनी जो फर्स्ट छुट्टी बोलते हैं, जो पहली लीव, अपनी ट्रेनिंग खत्म करके और जा रहा है, छठी को जाएगा, छठी मॉर्निंग में जाएगा 30 तारीख को। तो बोला ठीक है यार, सर से पहले ही मिल के आते हैं और बातचीत करके आते हैं। और छुट्टी आते ही आपको पता है सबसे पहले शिवांग यहाँ पे ही आया था। और आज शिवांग ने अपनी अकेडमी के लिए 21,000 कितना 21,000 रुपए का चेक दिया है, 21,000 रुपए का कितना चेक, 21,000। बोला सर मेरी तरफ से गिफ्ट है, मतलब मेरे दिल से है सर। बोला जो लोग ये बोलते थे बंदे हो तो ऐसे हो यार, दिल के अंदर। मैंने कभी इस प्रकार, अभी श्याम तो आपको बताएगा कुछ कि मतलब दिल के अंदर कैसे जगह होती है और कैसे तैयारी करनी चाहिए। पहले बहुत अकेडमी के अंदर गया था बच्चा, और विशु ने भी बहुत यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर, विशु मेन जो जयपुर, मैं आपको रियल बता दूं, ठीक है, उसके अंदर विश्व की भागीदारी थी पूरी की पूरी। उसे बस कभी ये मत सोचना मत, कभी लगेंगे नहीं लगेंगे, सब लगोगे, ऐसे ऐसे इंसान लगे तुम तो बहुत फिट हो, सब लगोगे कुछ नहीं, आराम से लगते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, लगे ना थके हो गया ज़्यादा मन हारे यार क्या है फालतू है, उतना डिमोरल होता है कि कहाँ लगे हुए हैं, अंधेरे में कहाँ चीज चला रहे, एक दिन दो दिन का आराम से रेस्ट करो, बॉडी में ज़्यादा वो नहीं करना, फिर वापस मतलब रेस्ट एक या दो दिन ज़्यादा नहीं अच्छे, कहीं होता कहीं गाँव भाग जाओ, एक दस दिन बाद आ रहे हो, बीस दिन बाद आ रहे हो, वो नहीं, एक दिन या दो दिन का रेस्ट करो, जिस दिन तुम्हें ज़्यादा ही लगे हाँ भाई ठीक है शरीर जवाब दे गया, पैर ज़्यादा दुख रहे हैं, वो हो रहा है, मतलब चलते रहो और बस अपना फोकस रखो, एक गोल क्या है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, काफ़ी ज़्यादा फायदे है फौज में आने के, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें जब अंदर आओगे ना, जब पता चलेगा तुम्हारी दो तीन पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी, तुम्हारी औलाद, तुम और तुम्हारे माँ बाप, मरते दिन तक आदमी मरता है ना, पोते पोतियाँ तक चार पीढ़ियाँ का फायदा होता है आदमी मरता है, और मेन चीज देश सेवा, देश सेवा का मौका मिलता है, जरूर मिलता है। वो शिवांग खुद गुजरो, लोग ये अकेडमी वाले भी बोलते थे, बोलता शिवांग तू कुछ नहीं कर सकता, अकेडमी वाले खुद बोलते थे, साथ वाले बच्चे तो बोलते थे यार शिवांग क्या होगा, लेकिन जब शिवांग भर्ती हो गया तो पता है, और शिवांग के लिए एक बार कनेक्टिंग करो, शिवांग एसीसी के अंदर सिलेक्शन निकालेगा, एसीसी के अंदर, ठीक है, एसीसी जानते हैं अभी शिवांग को सब पता है, एक दिन आपके सामने इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर बनेगा, आई प्रोमिस यू एवरीबडी, और मेरा भरोसा कभी भी इसने आज तक नहीं छोड़ा है, तो वादा है ये, एक बार मैंने बोल दिया कि हाँ सर वो काम होगा, ठीक है, अभी खड़े हो जा।